हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को ऑप्टिमाइज इस्तेमाल करके हम हमारे मॉर्निंग रूटीन को और बेहतरीन बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, और आपने आपके मॉर्निंग रिचुअल को बहुत ही शानदार बना लिया होगा, क्योंकि एपिसोड नंबर 2 हमारा उसी के ऊपर फोकस था कि कैसे हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स को हम बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो ये रहा वो लिंक, और इसके जरिए आप उस एपिसोड को जरूर देखिए, क्योंकि उसी एपिसोड से आपका आगे का रूटीन हमें सेट करना है। तो अब तक अगर आप एपिसोड नंबर 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे देख लीजिए, सो दैट आप एपिसोड 3 की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पूरा का पूरा फोकस है ऑप्टिमाइजिंग टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। हम हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर या पहले 3 घंटे अगर हम कहेंगे, जो हमारे ऑफिस में, हमारे वर्किंग प्रोफेशन में हम बिताते हैं, उन पहले 3 घंटों को कैसे बेहतरीन बनाएं, उस पर आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक शिल्पकार की, मूर्तिकार की एक बात मुझे याद आ रही है, और बात बहुत ही शानदार है। एक मूर्तिकार से ये सवाल पूछा गया कि आप इस मार्बल में से इतनी शानदार मूर्ति कैसे बना लेते हैं, ऐसा क्या करते हैं आप जिससे इतनी शानदार मूर्ति बन जाती है। और जो जवाब उन्होंने वहां पर दिया, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाह, इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति मैंने नहीं बनाई है, ये मूर्ति पहले से उस पत्थर में थी, मैंने सिर्फ उन चीजों को हटाया है जिनकी जरूरत नहीं थी। एक बार सोच के देखिए, इसी मोमेंट को, इसी स्टेटमेंट को अगर हम हमारे शेड्यूल में अप्लाई कर लें, हमारा शेड्यूल ऑलरेडी बेस्ट है, उसके ऊपर शायद कुछ ऐसी चीजें लगी हुई हैं जिन्हें हमें दूर करना है, और जैसे ही हम उन्हें दूर कर देंगे या जैसे ही हम उन्हें सही तरीके से एक मार दे देंगे, वो बाहर हो जाएगी और एक आइडल हमारे सामने क्रिएट होगा। और मैं जानता हूं कि आप भी चाहते हैं कि उसी तरह का एक आइडल हमारे साथ क्रिएट हो, सो दैट हम भी हमारे लाइफ में वो तरक्की, वो प्रोग्रेस, वो अचीवमेंट कर सकें जो एक सक्सेसफुल लोग करते हैं। तो ऐसा क्या करना होगा, किस तरह से ये हो पाएगा, चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारे टाइम मैनेजमेंट को हम ऑप्टिमाइज करेंगे। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी अलग अलग टेक्निक डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके में मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है। अब उन्हीं टेक्निक्स को फिर से एक बार हम रिटच करेंगे कि हमारे दिन को बेहतर बनाने में ये सभी टेक्निक एक साथ कैसे काम करती है। तो स्ट्रेटेजीज हम डिसाइड करेंगे कि थ्रू आउट द डे, अभी हम काम की शुरुआत ही कर रहे हैं, पहले 3 घंटे काम के हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट सिर्फ उन 3 घंटों का नहीं, बाकी पूरे दिन का भी हमें करना है। तो वो कैसे हो सकता है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप सभी को ध्यान रखना है और आप सभी को उस पर काम करना है, वो है प्लान योर डे इन एडवांस। आपके उस दिन को एडवांस में प्लान करके चलना होगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही आप दिन को उसी दिन प्लान करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे कामों के बीच में कुछ कुछ काम छूट जाते हैं, और आप जैसे ही एक दिन पहले उसे प्लान करते हैं, तो आप ऐसे टाइम में प्लान करते हैं जब आपको पता होता है, आप रिलैक्स होते हैं, उस दिन के काम ऑलमोस्ट पूरे हो चुके होते हैं, उस वक्त आप अगले दिन को प्लान करते हैं, तो बहुत ही सही प्लानिंग आपके सामने आती है। हमारे टास्क को हमें प्रायोरिटाइज करना होगा। मैं बीच में एक मैंगो की स्टोरी यहाँ पर सुनाया करता था कि आम की स्टोरी है, आप एक बगीचे में है जहां पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं, और अब आपको ये कहा जाता है कि आपके पास पूरा दिन है, आप जितने चाहे उतने आम आप खा सकते हैं, लेकिन घर पे नहीं ले जा सकते। तो मुझे बताइए, सबसे पहला कौन सा आम खाएंगे आप? सबसे पहला आप वो आम खाएंगे जो रसीला होगा, रस भरा होगा, वो आम आप सबसे पहले चुनेंगे, उसे तोड़ेंगे, उसे खाएंगे, उसे एंजॉय करेंगे, और फिर अगले आम की तरफ बढ़ेंगे। उसी तरह से आपके जितने भी काम लिखे हुए हैं आज पूरे करने हैं, उसमें से वो काम सबसे पहले पूरा कीजिए जो रस भरा है, मे बी आपको, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, मे बी ऐसा काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है। दोनों में पूरा का पूरा रस होता है, आप कोई भी एक काम को उसमें से पिक कीजिए, लेकिन प्रायोरिटाइज कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो काम सामने आए उसे करते जा रहे हैं,
उस वाले केस में आपके रस भरे काम पीछे रह जाएंगे और पेट भर जाएगा, दिन पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने ही शेड्यूल को चेक कीजिए, मैनेज कीजिए, सो दैट आप प्रायोरिटी के साथ काम करें। एक और चीज आपको इंक्लूड करनी है, वो ये कि आपके कोई बड़े टास्क है, अगर कोई काम 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, तो उसे स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन कर दीजिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको एक साथ ही 3 घंटे तक कंटिन्यू पूरा करना होगा। कोई ना कोई ब्रेक पॉइंट आपको जरूर मिलेगा, बस आपको उसे देखना है और उस ब्रेक पॉइंट पर ब्रेक करना है, अपने कामों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि सेम ही लेवल पर एक साथ लंबे काम आप करेंगे तो आपकी धीरे धीरे एनर्जी डाउन हो जाएगी, और जैसे जैसे एनर्जी डाउन होगी काम में मिस्टेक्स होंगे और उन्हीं काम को वापस रिपीट करना होगा। तो बीच में ब्रेक लेते हुए छोटे छोटे सेशंस में उस काम को पूरा कीजिए, सो दैट एक इफेक्टिव काम, क्वालिटी काम आप पूरा कर पाए। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। हमारी कुछ हैबिट्स है, हमारे मोबाइल फोन में नोटिफिकेशंस हम कंट्रोल नहीं करते, वो हमें कंट्रोल करते हैं, ऐसी वाली फीलिंग आती है। अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उन डिस्ट्रैक्शंस को आप दूर कीजिए। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के बहुत सारे तरीके मैंने इसके पहले भी शेयर कर रखे हैं, आप YouTube करेंगे मेरे वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसमें डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करना है, कैसे आप डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ जी सकते हैं, इस पर मैंने बात की है। तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए, और जितने काम आप अपने पास रखते हैं उतने कम रखें और उन कामों को डेलीगेट करें। दोस्तों आपको उड़ना है, आप चाहते हैं कि आप उड़े, एक लंबी फ्लाइट लेकर के आप आगे जाएं, ये आपके मन में है, लेकिन उस लंबी फ्लाइट में जो वजन भरा हुआ है, अगर वो वजन आपने कम नहीं किया तो आप वो उड़ान नहीं भर पाएंगे। आपने देखा होगा एयरलाइंस जो है वो एक वेट लिमिट फिक्स करती है कि पर पैसेंजर इतना केजी ही हम ले सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा अगर वजन हो गया तो फ्लाइट को उड़ने में दिक्कत होगी। आपकी ग्रोथ वाली फ्लाइट को उड़ने में आप दिक्कत कर रहे हैं, कैसे? आप वो सभी टास्क, वजन भरे टास्क अपने ही पास रख रहे हैं, आप उन कामों को डेलीगेट नहीं कर रहे, आप उन कामों को दूसरे स्टाफ को नहीं दे रहे हैं, ये सोच करके कि यार वो सही से करेगा नहीं करेगा, उनसे गलतियां होंगी नहीं होंगी। मेरा पूरा एक वर्कशॉप है डेलीगेशन एट वर्क, जिसमें मैं इन्हीं टॉपिक्स पे बात करता हूं कि कैसे अपने काम डेलीगेट करने चाहिए, किसे करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। मैं इन पर काम करता हूं, मैं बात करता हूं, आपसे भी रिक्वेस्ट है जितने हो सके उतने काम डेलीगेट करें। सिर्फ एक बार ये सोचे कि क्या ये काम सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। आपके पास अगर जवाब आता है कि यस ये काम कोई और नहीं कर सकता, तो उतने ही काम रखिए। एटलीस्ट जब भी जवाब आता है कि यार ये काम कोई और कर सकता है लेकिन मैं करवा नहीं रहा हूं, उन कामों को करवाइए, सो दैट आपको आपका टाइम मिल सके, आपके शेड्यूल में आगे बढ़ सके, आप वो उड़ान वाली तरक्की ले सके। इसके लिए आपको काम डेडिकेट करने होंगे। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो आपके टाइम को ऑप्टिमाइज करेगी, आपके टाइम को बेहतरीन यूज करने में आपकी मदद करेगी। इनके साथ साथ कुछ टेक्निक्स अगर आपको चाहिए तो आप उसमें से लर्न जरूर करें, क्योंकि प्रायोरिटी कैसे करना है मैंने कह दिया, प्रायोरिटी कीजिए, पर कैसे कोई काम को प्रायोरिटाइज करना है, अगर वो टेक्निक आपको सीखनी है तो उसे सीखिए। आपको ऐसे YouTube वीडियोस मेरे भी मिलेंगे जिसमें मैंने प्रायोरिटाइज में बात की हुई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई वर्कशॉप, कोई कोर्स आपको अटेंड करना है, हाउ टू प्रायोरिटाइज, वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आई नीड वर्कशॉप ऑन प्रायोरिटी, और आप देखेंगे बहुत जल्द एक वर्कशॉप आपके बीच में होगा। कुछ टूल्स आपको यहाँ पर एडॉप्ट करने होंगे और कुछ मेथड जो आपको ऑर्गेनाइज करें वो आपको अडेप्ट करनी होगी, सो दैट आप उन सभी कामों में बेहतरीन काम कर सके। जैसे टू डू लिस्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक दिन पहले आप एडवांस में काम करना शुरू करें, दोस्तों आपकी टू डू लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए। अगर मैं आपके साथ मेरी आज की टू डू लिस्ट शेयर करूं तो आप देखेंगे, ये देखिए ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है, और इस टू डू लिस्ट में वो सारे के सारे काम आज के लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कुछ कुछ काम टिक मार्क हो चुके हैं, एक काम जो यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा है वो ये रिकॉर्ड दिस वीडियो, वो रिकॉर्ड में भी कर रहा हूं और वो काम भी टिक मार्क हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से मैं अपने काम टू डू लिस्ट के जरिए करता हूं, और ये एक ऐसी प्रोडक्टिविटी टूल है जो मुझे कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। जैसे ये सारे काम पूरे हो जाएंगे
मुझे सिर्फ मेरे चैलेंजेस पे काम करना है, और जैसे ही मैं अपने चैलेंजेस पे काम करना शुरू कर दूंगा, मेरे लिए मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस वाले काम करूंगा और बाकी सारे रूटीन काम ये पीछे से अपने आप हो रहे हैं। ये फोकस, ये डेडिकेशन, डिस्ट्रैक्शन फ्री प्रोफेशनल लाइफ कहाँ से आएगी? तो आपके इन टूल्स को इस्तेमाल करने से आएगी, जो आपके कामों को प्रोडक्टिव बनाती है और आपको ऑर्गेनाइज रखती है। कैलेंडर्स, बहुत अलग अलग तरह के कैलेंडर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के कैलेंडर्स हैं, आप गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप कोई कमिटमेंट दें, उसे कैलेंडर में नोट डाउन करें, सो दैट वो कमिटमेंट या उस टाइम पे दूसरा कमिटमेंट रिपीट ना हो। इसलिए कैलेंडर्स का इस्तेमाल कीजिए। हम कैलेंडर्स का इस्तेमाल सिर्फ बर्थडेज को सेव करने के लिए करते हैं दोस्तों, वो टूल बहुत ही पावरफुल है, उसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने में हेल्प करेंगे, जैसे आसना, ट्रेलो। इन सॉफ्टवेयर में आप आपके पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, इतनी टेक्निक वहां पर इस्तेमाल की गई है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, ऐसे कोई एक टूल का इस्तेमाल करें, आपके सभी प्रोजेक्ट में जितने भी आपके एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं उनके साथ उस टूल के साथ शेयर करें, और सभी जन एक ही पेज पर अपने उस प्रोजेक्ट को आप आगे बढ़ाते रहें और मैनेज करते रहें। तो ऐसे टूल्स करने से क्या फायदा होगा, उस प्रोजेक्ट पर आपकी पूरी की पूरी पकड़ रहेगी और कोई भी काम आपके सामने से छूटेगा नहीं। नहीं तो काम पूरे होते चले गए, कोई एक टीम पीछे काम कर रही है और उसकी वजह से हमारा पूरा काम अगर डिले हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सफर करेगा। इसलिए ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और कुछ कुछ ऐप्स हैं जो आपके नोट्स, आपके चेकलिस्ट बना करके रखते हैं, जैसे गूगल की। ऐसे कोई भी एप्स हैं, उन एप्स को आप यूज करें, और उन एप्स का इस्तेमाल करते हुए आपके प्रोडक्टिविटी को, आपके मेथड्स को, आपके ऑर्गेनाइजिंग रहने के आदत को इंप्रूव कीजिए। दोस्तों, कुछ एक्शन पॉइंट्स मैं इस एपिसोड के आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन एक्शन पॉइंट्स के साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि इसमें से कौन कौन सी चीजें आपने कर ली है और कौन सी चीजें अब करना बाकी है और कैसे आप पूरे कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी चीज करने में या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप लिखिए, क्योंकि मेरा जो ये बोनस एपिसोड है, जो एपिसोड नंबर 6 है, ये बोनस एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके मिल रहे क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड बनाया जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन्हें बोनस एपिसोड में नोट डाउन कर रहा हूं और वहां पर उन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपके बीच में रखा जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड के एक्शन पॉइंट्स आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना शुरू कीजिए अपने कामों को इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के बेसिस पे। अब यहां पर जो काम अर्जेंट है उसे डेफिनेटली हमें उस दिन प्रायोरिटाइज करना है, लेकिन एक और चीज ध्यान में रखिए, वो काम अर्जेंट क्यों बना इसका स्टडी भी आप आपके पास रखिए, सो दैट अर्जेंट बन रहे कामों को हम धीरे धीरे दूर कर सकें। होता यह है कि कोई भी काम जब अर्जेंट बोल करके आता है तो वो अर्जेंट काम हमारा सारा शेड्यूल डिस्टर्ब कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अर्जेंट काम बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन अगर अर्जेंट ही काम आप दिन भर में कर रहे हैं, मतलब आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ लोगों के बताए हुए काम पूरे करके दे रहे हैं और आप इस चक्रव्यूह में फंसे हुए रहेंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अर्जेंट काम दूर करके इंपॉर्टेंट काम जो आपको लगता है कि आज पूरा कर देना चाहिए, वो आपको लगता है वो अर्जेंट नहीं है, उसे पूरा करना शुरू कीजिए। सो मेरा आपको कॉल टू एक्शन इस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद में यह है कि आने वाले 3 दिनों तक आप सिर्फ एक अर्जेंट काम लेंगे, सिर्फ एक अर्जेंट काम, 3 दिनों तक सिर्फ एक ही अर्जेंट काम लेंगे और बाकी वो सारे काम पूरे करेंगे जो आपको लगते हैं कि आज इंपॉर्टेंट है या आपके टू डू लिस्ट में लिखे हुए हैं। उतने ही काम आप आज से 3 दिन तक पूरे करेंगे। कोई भी परेशानी आपको होती है, चिंता मत कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। टाइम ब्लॉकिंग को इंप्लीमेंट करना है, कुछ कुछ अलोकेट करना है स्पेसिफिक टाइम आपके अलग अलग एक्टिविटीज को। जैसे सुबह का टाइम हमने आपके मॉर्निंग रिचुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया था, इसी तरह से आपको आपके वर्किंग आवर्स में भी कुछ कुछ काम ऐसे डेडिकेटेडली करना है। जैसे मैं आज टेक्सटाइल्स के 4 फैक्ट्री संभाल रहा हूं, उन 4 फैक्ट्रीज को संभालते हुए मुझे उन 4 फैक्ट्रीज की रिपोर्टिंग, उन 4 फैक्ट्रीज पे विजिट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, सब कुछ करना है।
लेकिन मैं ये सब कुछ अकेला नहीं कर सकता, तो मैंने एक पर्टिकुलर दिन मेरे फैक्ट्री विजिट का सेट कर दिया है, एक पर्टिकुलर दिन हमारे वेजेस और उसके सिस्टम के लिए सेट कर दिया है। इस तरह से अगर आप आपके टाइम ब्लॉकिंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एलोकेट कर देंगे, आप देखेंगे वो काम उस वक्त पूरा होगा और बहुत ही क्वालिटी के साथ पूरा होगा। एक्चुअली हम क्या करते हैं, चलो आज कुछ काम नहीं दिख रहा है, चलो फैक्ट्री विजिट करने चले जाते हैं, फैक्ट्री विजिट करने चले गए, बीच में से कोई पीछे से क्लाइंट का फोन आया कि अरे मैं तो आपके ऑफिस आया हूँ, आप कहाँ पर हो। मतलब क्लाइंट को भी नहीं पता आप कहाँ मिलेंगे और आपको भी नहीं पता उस दिन आप कहाँ पर रहेंगे। ये वाले शेड्यूल्स के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए कितना अंधेरा है आपके आगे, उसे उजाले में कन्वर्ट कीजिए, अपने टाइम ब्लॉकिंग्स को बाहर लेकर के आइए। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीटास्किंग को अवॉइड कीजिए, फोकस कीजिए एक काम पर और आपके काम की क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए। आप देखेंगे जो काम मल्टीटास्किंग के साथ करते वक्त आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता है, वही काम आपका फोकस के साथ आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, आपने किसी एक क्लाइंट को बोल दिया है कि आप इतने बजे आ जाइए, उन क्लाइंट के लिए कुछ स्टडी आपको करना है और आपका एक कोई रिपोर्टिंग है जो आपके सामने आया हुआ है। अब देखिए क्लाइंट आने वाला है, उनकी स्टडी और आपके सामने रिपोर्टिंग, आप क्या करते हैं उस स्टडी को शुरू करते हैं और ये जो स्टाफ का रिपोर्टिंग है वो कोई स्टाफ आपके साथ डिस्कस कर रहा है। अब आपके ब्रेन में, बैक ऑफ द ब्रेन क्या चल रहा है, वो आने वाले हैं, उनसे ये बात करनी है, उनको ये बताना है, उनको ये समझाना है, वो ये गलत समझ रहे हैं, उनको ये समझ कह करके हमें आगे बढ़ना है, जो भी वो सब कुछ बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, उसी वक्त आपके स्टाफ आपको वो रिपोर्टिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उन्हें हाँ 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 कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हाँ मेरे बॉस सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन आपके ब्रेन में कुछ और ही चल रहा है। तो ये है मल्टीटास्किंग, हम एक टाइम पे दो काम करने की कोशिश करते हैं। अब उसी को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, स्टाफ की रिपोर्टिंग अगर आप ध्यान से सुने, 10 मिनट में उसे पूरा करें और उसके बाद के 10 मिनट आप फोकसली वो स्टडी करें जो आपके क्लाइंट आने वाले हैं। ऐसा कब हो सकता है, जब आप आपके मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें। तो दोस्तों ये है हमारा एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 3 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये देखिए, एपिसोड 3 में हम आपके कुछ हेल्दी हैबिट्स को बिल्ड करने वाले हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपके इस टाइम मैनेजमेंट को और बेहतरीन बनाएगी, वो हेल्दी हैबिट्स जो आपके वर्किंग आवर्स का सेकेंड पार्ट है उसमें आपको इंक्लूड करनी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे और उन हेल्दी हैबिट्स के साथ आप आपके दिन को और बेहतरीन बनाएंगे, जिससे आपका इवनिंग टाइम बहुत ही शानदार होगा। दोस्तों मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल पाहेती, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि आज बताई हुई बातों से एक बदलाव आपके शरीर में जरूर आएगा तो लाइक पे जरूर क्लिक करें। अगर आपको लगता है कि किसी फ्रेंड्स के ग्रुप में ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो शेयर बटन पे जरूर क्लिक करें और हमें सभी तक पहुंचने का मौका दें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं अखिल पाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।